कर्मा तू मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ है मेरा अपना तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन हिफाजत करने वाले सिपाही शहीद हो गए। बड़ा छोटा शब्द है, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि शहीद हो गए, व्यथा उससे पूछिए जिस मां का लाल दुनिया से चला गया, दुख उससे पूछिए जो भरी जवानी में विधवा हो गई, दुख उससे पूछिए जिसका 4 साल का बेटा अपने बाप को मुखाग्नि देता है। आखिर क्यों और कब तक हम ये झेलते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे? हद हो गई है, हिंदुस्तान का रहने वाला हर नागरिक तैयार है, अगर हमें मौका मिल जाए तो हम दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन नेताओं की नेतागिरी में पूरा देश उलझ कर रह गया है। भाव है, जरा गौर करेंगे। कभी ने सवाल लिखा है, बात करते हैं हम भाईचारे की क्यों, आजादी के 60 वर्षों से हम भाईचारे की ही बात तो करते आ रहे हैं, लेकिन यह पड़ोसी देश है कि मानता नहीं, बार बार हमारे छाती में खंजर चुभाता है। तो कभी लिखते हैं, बात करते हैं हम भाईचारे की क्यों, उनकी नीयत हमेशा भटकती दिखी, मित्रता का सबब हम सिखाते उन्हें, उनकी तलवार हम पर लटकती दिखी, राम जी भी विनय सिंधु की थी कि ये प्रभु मनाए उसे अपनी औकात से, यह तो सदियों से चलता या चलता रहेगा, लात का आदमी ना झुके पात से। दोहरी नीत और दोगली नीत, दोहरी नीत और दोगली नीत में उलझ कर हम रह गए। हमारे एक बार आर पार धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने अपना स्टेटमेंट दिया था, माननीय नेताजी ने स्टेटमेंट दिया था कि आखिर हम क्यों इतना बर्दाश्त करते हैं, जब देश ही नहीं रहेगा तो ये संसद भवन, विधान भवन, विधानसभा ये रहकर क्या करेगा और नेता रहकर क्या करेंगे? छोड़ दो फौजियों को, एक बार यार पार की लड़ाई हो जाए, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। एक नेता मात्र मुलायम सिंह यादव ने स्टेटमेंट दिया था। मैं अपने गीत के माध्यम से जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ बताना चाहता हूं पूरे देश से एक सवाल है, कव्वाली का तर्ज लगल मास्टर। किसी आशिक ने मासूका से कहा था, या शायर की गजल ही उसकी मासूका होती है, शायर की गजल इससे खूबसूरत मासूका राजेश जी इस दुनिया में कोई नहीं। हम सलाम करते हैं लिखने वाले को, कहा कि वो शख्स प्यार के, चाहे आप अपने प्रेमिका पर ले लें, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस हिसाब पर इस भाव को ले सकते हैं, है तो हमारा ही, हमारा अंश है, वहां से भी जंग की शुरुआत जवानों ने किया था,
के वो शख्स प्यार के हाँ अरे वो शख्स प्यार के काबिल के किया जाए, लेकिन वही तो मेरा, अरे वही तो मेरा, वही तो मेरा, हाँ वही तो मेरा, अरे कातिल है क्या किया जाए, बहुत अच्छे। हमारे साथियों का भी जंग आप लोग देख रहे हैं, ये तैयार हैं कि वही तो मेरा कातिल है, लेकिन हम कौन है? तिरंगे की कसम, इस झंडे की कसम, अरे तिरंगे की कसम, खा खा के हम तो जीते हैं, अरे तिरंगे की कसम, खा खा के हम तो, तिरंगे की कसम, खा खा के हम तो जीते हैं, कौन सा दुख है कि जहर अपमान का, यही दुख है क्यों कि जहर अपमान का घुट घुट के हम ही पीते हैं, जहर ये देखिए किरण म्यूजिक के डायरेक्टर और हमारे साथी भाई वीरेंद्र जी और अनूप गुप्ता जी, आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा है आपके बीच में इन गीतों को प्रस्तुत करने के लिए, ढूंढ कर खोज कर, और सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे छोटे भाई हरिहर जी का। कैमरा फेस किया जाए भाई, ये राम भक्त हनुमान है, ये हमें ले के स्टूडियो तक आते हैं और आप लोगों के बीच में कुछ गाने का मौका दे देते हैं। और हमारे बीच में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अखाड़ा गया सेठ पट्ठा मनोहर पहलवान, बिरहा के बड़े ही प्रेमी और हमारे शुभचिंतक, हमर दयाद भी, आपका बड़ा सहयोग रहा है, आप सभी साथियों का सहयोग रहा है जो सुन रहे हैं। हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप निरंतर लगे रहें, और हमारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रुपये का पुरस्कार आप लोगों ने दिया, ये पुष्पहार दिया, यह प्यार है, स्नेह है, क्योंकि प्यार से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। सब भैया के बहुत बहुत प्रणाम। हरिहर जी पकड़िए। अच्छा कभी सवाल करते हैं कि हम कितने हैं फौलादी, हम कितने हैं फौलादी, जब जुर्म सदा सहते हैं, लेकर के शेर का सीना बंदर की तरह रहते हैं। अफसोस है, दुख है कि हम कितने फौलादी हैं। याद करो, याद करो वो कुर्बानी जिन्होंने खड़ा होकर के फांसी के फंदे को चूम करके और तिरंगे झंडे को सलूट करके फांसी पर चढ़ा था। क्या हो रहा है ये? आर पार हो जाए, 5 बरस देश पीछे चल जाएगा, और क्या हम संभाल लेंगे। यहाँ का गरीब मजदूर किसान हर आदमी चाहता है, क्षमा चाहूंगा लेकिन इशारा जरूर है हमारा, और विजयलाल यादव अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं हटता। भाव है कवि का क्या? के हम कितने हैं फौलादी, जो जुर्म सदा सहते हैं, लेकर के शेर का सीना बंदर की तरह रहते हैं। कारगिल में मिला था देखो, कारगिल में मिला क्या देखो, घर घर में आई लाशे, घुसपैठ से पहले क्यों ना हम जगह ले लेके सांसे। लेकिन एक तरफ है पाकिस्तानी, इशारा है, एक तरफ है पाकिस्तानी, एक तरफ चीन ललकारे, एक तरफ है पाकिस्तानी, एक तरफ चीन ललकारे, जो जब चाहे वो मारे, हम लेते केवल डकारे। उनको एक और दुख है, हम फांसी पर लटकाए, किसको?
हम फांसी पर लटकाए वह कसाब था हत्यारा, हम फांसी पर लटकाए वह कसाब था हत्यारा, उस गुस्से में उन्होंने मेरे साथ जीत को मारा। अभी हाल हाल में देखो सरहद में दुश्मन आया, अभी हाल हाल में देखो सरहद में दुश्मन आया, सर काट के लेके भागा अन्ना अभी तलक लौट आया। आखिर कब तक हम झेलते रहेंगे, काट करके हमारे जवानों का सर और हमें चैलेंज दे गया, चुनौती दे गया। विराह में थे तर्ज लग गए, तनी इंटरटेनमेंट मनोरंजन भी हो जाए। हमारे उम्र का नौजवान साथी हमसे छोट छोट जौन भाई हूँ, सोचिए कि एकदम लड़ाई के जौन हो तो सिपाही घर योगल हूँ, कुछ हमन के ना देते हूँ। हाँ ठीक है, इंटरटेनमेंट जरूरी है, मनोरंजन जरूरी है, लेकिन देश से जरूरी इस दुनिया में अपनी जान भी नहीं है, याद कर लेना। भाव है क्या गीत का बोल बा, तू लड़की हऊ मत वाली, तू लड़की हऊ मत वाली, बन जा हमरो घर वाली, अपन कुसुमी चुनरिया, चुनिया के थोली द बता ए रानी हो, चुनिया के थोली द बता। पोछ चोरैबा तू जतने पोछ चोरैबा, बस आपन शान कमैबा, ईट से ईट बजावे ला हमारी हिंदुस्तान, एक बेरी फूकब तो पता नहीं चली है, एक बेरी फूकब तो पता नहीं चली है, उड़ी गयल कहाँ पाकिस्तान, ए राजा हो, उड़ी गयल कहाँ पाकिस्तान। ये हमारे फौजी जवानों का जज्बा है, देश के जवानों का जज्बा है। मोर हिंदुस्तान नाही केहू के सतावेला, केहू के ना सतावेला, हे खासियत का हिंदुस्तान का, मोर हिंदुस्तान नाही केहू के सतावेला, अरे चींटी के बचावे और शेर के लड़ावेला, चींटी के बचावे और शेर के लड़ावेला, के बचावे और शेर के लड़ावेला। गधी बाद से दुखवा टरेला, गधी बाद से दुखवा टरेला, कब भगत सिंह बन के पड़ेला, गधी बाद से दुखवा टरेला, कब भगत सिंह बन के पड़ेला। दुश्मन का पढ़ल बा उठाना सीना तान, हो मनवा दुश्मन का पढ़ल बा उठाना सीना तान, एक बेर फूकब तो पता नहीं चली है, कहाँ फेकायल पाकिस्तान, ए राजा हो, कहाँ फेकायल पाकिस्तान, ए अपने देश की बेबसी देखकर फौजियों के प्रति संवेदना है, नेताओं की बेबसी देखकर
फौजियों की संवेदना है व्यक्त करते हुए कहना पड़ रहा है कवि को कि अब हम क्या करें। लेकिन विरह में तर्ज बड़ा बेजोड़ लगल। इ तर्ज बा आजकल नया नया लड़का ले की पढ़ दे कह दे आई लव यू आउ आई लव यू कब ले जब ले नहीं खे भइल आई गव यू आई गव यू कह के कर ब्रेकअप। साला क्या है प्रेम तो ईश्वर का प्रतिबिंब है परछाई। भगवान श्री कृष्ण ने 1600 पटरानियों के प्रेम जाल में ऐसा थे कि जब रास रचाते थे तो हर पटरानी के बांह में एक कृष्ण दिखता था। वह प्रेम है। आज भी ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारे हिंदुस्तान में हैं कि अपने धर्म पर चल करके किसी भी मंजिल को पाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कौनो लड़का के ब्याह लड़की से तय हो गई बात। अच्छा परिवार में विमरज हो गई। विमरज का मतलब के टेंशन ब्याह कट गई तो लड़की तो बेचारी बाछी है जय पगहा धरा देवा चल जाए। हाँ। लड़का टेंशन में बा रेल में कटाही। हाँ। नहीं तो इनारे में डूब। हाँ। कुछ ऐसा बाप हो कहे कि सार तू चला कटाए हम उठा के लिए आई। हाँ। लेकिन जो ऐसा का हो तो हम सुधार दे ले हुआ। हाँ। लेकिन यहाँ बाप बेरात हो कि कहीं सच्चो न कट जाओ। हाँ। लड़की एक दिन भेटा गई ये अपन दारू रूपी के फिट बा। हाँ। कल का जी रुआ काहे यहाँ बैठल बनी। हाँ। इतना उदास भेल बनी हमारे ब्याह तो गल बार वो अपन शादी कर ली। नेम बोलिए नहीं खे सुझा कह के आखिर कार हुआ कहल चाहत नहीं तब कहले बा गोरिया गोरिया रे अरे जा जा धोखा कैलू प्यार में जिंदगानी काटतानी तोहरा इंतजार में हो। अरे जिंदगानी काटतानी तोहरा इंतजार में अरे जा रहा में कवि जी भाव कितना बढ़िया दिला। अरे जा जा ये फौजी जवानों के तरफ से संकेत है। हमारे घर भी फौजी हैं। आज जवानों में मायूसी है कि मुट्ठी भर पाकिस्तान हमें आंख दिखाने की जरूरत कर रहा है। नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा खाली हुक्म मिल जाए तो भाव है। जा जा अरे जा जा धोखा होता फौज में अरे जा जा धोखा होता फौज से हम मारी चाहे कोटी रहुआ पानी मौज में कहा सारा बस सोचब सब है। जन बड़ी बड़ी बात कुर्सी पर बैठ के करत सब दिल्ली में कि हम मारी चाहे कोटी रहुआ पानी मौज से अरे जा जा धोखा होता फौज से जा जा धोखा होता फौज से धीरे अब धारा धीरे अब धारा ना तनिको तू डरा ना तनिको तू डरा ना
माध्यम से इशारा है। धीरे लब धारना तन को तू डराना, एक बेर लड़ाई आर पार वाली कराना, अरे एक बेर लड़ाई आर पार वाली कराना। ललकार खाली गाली गलौज में हो, अरे जन करा ललकार खाली गाली गलौज से, अरे चाचा धोखा भइल खौज से। अपने वतनवा का साल नहीं जाई, अरे सीमावा पे हमरो प्राण भोली जाई, सीमावा पे हमरो प्राण भोल जाई। अपने वतनवा का साल नहीं जाई, तरज बदल गई। ये जवानों की ओर से चेतावनी है, रोज खड़ा होके बातचीत 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 बातचीत, ये बातचीत से ना एक बार खाली चित कदा चाहिए हो दिया से। बात के छोड़ा खाली चित करा, इनन के बात के हटा के खाली चित, बस ओकरे बाद ही कुल फिट हो जाएंगे। ये सारे रक्त बीज हूं, जितना मरवा उतने जन हम तैयार हूं। एक साल के भीतर कितने आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश किए, 360 और 360 मारे गए। फौज के जवान कितने शहीद हुए, कितने? इस साल के भीतर का ब्यौरा है, 82 जवान शहीद हुए। यह ब्यौरा आपको और कोई नहीं दे सकता, ये लिखने और सुनने वाली बात नहीं है, ना ये आता है। हमारे घर भी फौजी हैं, हम देश को सजग करना चाहते हैं। आप सोचते होंगे खाली गवैया है, ये तो अपना गा के खाली हो गया, नहीं, गवैया बाद में हूं, लड़वैया पहले हूं। दुश्मनों के छाती पर झंडा गाड़ने का वक्त आएगा, सबसे पहली कतार में बिजलाल यादव खड़ा होगा। विराह में भाव कवि जी लिखला तनी, अब यहां हमरे वो हताद वाली लग गई। सास गई हटिया ननद कवि जी भाव कितना सुंदर लिखल ने, ये भाव किनका है कि बिहार रेजिमेंट से विजय कुमार जवान हो, बीवी बच्चा छोड़ चलल घरवा मकान हो, अब तला चला।
कवि जी लिखल कितना बढ़िया भाव कि एक बेर आदेश यदि पा जाए हम फौजी तो गाड़ दी है झंडा पाकिस्तान पर। अफसोस हो मित्र की माइक थोड़े नीचे हो, नहीं तो अगर माइक ऊपर रहत का हो गोलिया सन चाहे गोलावा, अरे गोलिया सन कही चाहे गोलावा, पनिया बरसे पथरवा पहरू पहरा पर खड़ा है। लेकिन कभी जी भाव बिरहा में कितना बढ़िया लिखलन है कि चाहे फटके गिराई बदारावा, चाहे फटके गिरा बदारावा, पनिया बरसाया पथरवा सेरावा सरहद पर खड़ा, अरे कवि जी कवि का कहना हो का पांच अगस्त के झमाझम खूब बरसत रहल सवनवा, अब तब नगर दल घूमा के तकलन अब ही यूनिट के वार जवनो पहरे पर पांचों जवान खड़े हैं, झमाझम बरसात कड़ाके की ठंड तड़तड़ाती धूप, लेकिन जवानों की ड्यूटी है। बारे कवि जी कहते हैं कि 5 अगस्त का झमाझम खूब बरसत रहल सब नवा मूड़ फर के तकलन, अरे यूनिट के वर जवानवा तेर लस चारू नरवा, गेरल से चारों अंधरवा, गेरल से चारों अंधरवा, अब बिजली चमकल ले खतरवा सरवा सरहद पर खड़ा है। कौन कौन जवान पहरे पर उस दिन खड़े हैं, प्रेमनाथ कुंडलीक विजय और शंभु शरण रघुनंदन, सेक्टर पूछ चक्का तो बाग में अरे हाई रतिया कर ले जम जम, हाई रतिया कर ले जम जम, अले पाकिस्तानी छोरावा, अरे आइले पाकिस्तानी चोरावा, लेके हाथे हाथी हरवा सरवा सरहद पर खड़ा है। कवि का भाव है किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, अरे गर्दिश में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को, आया था सिकंदर बिहार मान कर गया, ये धरती है सपूतों की शहीदों की संतों की ऋषियों की। तो कभी लिखते हैं कि आया था सिकंदर भी हार मान कर गया, समूचे हिंदुस्तान का सम्मान कर गया, आए थे ज्ञान सीखने यहां पर अरस्तु, बहुत बड़े विद्वान होने के बाद भी यहां ज्ञान सीखने आए थे, तो आए थे ज्ञान सीखने यहां पर अरस्तु, वे भी लगा सके ना यहां किंतु परंतु, रावण से जटायु भी लिए जिद खड़ा था, रावण से जटायु भी लिए जिद खड़ा था, अरे वतन की बहू के लिए एक गिद्ध लड़ा था, वतन की अस्मिता का सवाल था, वतन के बहू के लिए यहाँ का पंछी लड़ गया था,
16 की संख्या में कमीने वार कर दिए। वर्दी में पाकिस्तान फौज के भी लोग थे, तो लिखते हैं कभी कि 16 की संख्या में कमीने वार कर दिए, सरहद में घुसकर फौजियों को मार चल दिए। हुआ सवेरा, गश्त में फौजी आए हैं जब पास, चकाचौंध हो गए सभी जब देखे पांचों की लाश। बाबूजी, पटना के बिहटा के विजय कुमार राय, भोजपुर जिले के शंभु शरण सिंह, सारंग जिले के प्रेमनाथ सिंह और रघुनंदन प्रसाद जवान शहीद हो गए। विजय कुमार हाल ही में छुट्टी काटकर जुलाई में ही सीमा पर गए थे। कुछ दिनों में घर पर उनकी लाश, शहीद की लाश पहुंचती है। तो यहां करुण रस का भाव है, मेरे पास कोई गीत नहीं, तर्ज नहीं, लेकिन कवि की व्यग्रता, कवि की लेखनी बार बार हमें बोलने पर मजबूर कर रही है, उकसा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक क्लासिकल तर्ज है मास्टर। गीत बाकी सावन भादों के जैसे नैना, ओ सावन भादों के जैसे नैना, अरे बरसे हमार हो, बरसे हमार फगुनवा समरिया, साले ला फगुनवा समरिया, बानी बेकरार हो, सावन भादो के जैसे नैना, बरसे हमार हो, बरसे हमार आ जाती है फौजियों की। मैं उस विजय कुमार की बात करता हूं, अभी तो छुट्टी बिता के गया था। तो भाव कवि जी लिखते हैं, जो वही लाश उतरी, ताबूत खोला गया, पत्नी के हाथों की चूड़ियां तोड़ दी गई है। करीब जब पहुंची नई नवेली दुल्हन, ए सैया सैया ओ भैला, सपना देखा के सपना, ओ भैला सपना देखा के सपना, सजना हमारो सजना हमार, भैला सपना देखा के सपना, सजना हमारो सजना हमार। अबई जिंदगिया समरिया, अबई जिंदगिया समरिया, लागी कौन डार गईला, सपना देखा के कहा, सजना हमार हो सजना हमार। गैला तक कहला हमसे, हसी हसी पतिया, कैसे निहार कुमिल सूरतिया, सूरतिया
तो कहला हमसे हसी हसी बतिया कैसे निहारी कुमिलाइल सूरतिया जिंदगी संवर रहल नैया लगाई के बहिया छोड़ा के एक हो एक पल में कदियाला हमरी हो एक पल में कदियाला हमरी दुनिया अनहारी हो दुनिया अनहार एक पल में कदियाला एक विधवा की दर्द है दो लाइन अभी तो छुट्टी बिता कर गए हुए थे विजय कुमार की पत्नी रोती है क्या आइसन जिंदगीया में तू आ तू उठोला नहीं तो राखी नहीं कोयला बनवला नहीं कोयला बनवला यहाँ से कहिला टाइट वर्दी तू पानी के के काहे बोला तू ओढ़ले पड़े सैया जी सैया जी काहे बोला तू ओढ़ले पड़ा उजर वोहार सैया उजर वोहार अब ये जिंदगी असमरिया लागी कौन दार काहे ओढ़ले तू बाड़ा बोला उजर वोहार सैया उजर वोहार तो दर्द है कितना बयां किया जाए कितना कहा जाए लेकिन कवि का कहना है मास्टर किससे नुरावा से नुरावा मोर पल बेदी पर चढ़ल अरे से नुरावा मोर पल बेदी हो से नुरावा मोर पल बेदी पर चढ़ल बचवाया नाथ बहिला घर आंगन अंधरावा रे अंधरावा रे अंधरावा नारी अधलगी अपने पति की लाश पर गिर करके बेहोश हो जाती है पूरी देश ने निंदा किया लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह का स्टेटमेंट था रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने कहा क्या कहा मास्टर क्या Yeah.
राजा बोले आर पार का जंग रंगाई उतरी ना और होई तो जबले आर पार का जंग रंगाई उतरी ना अब पाकिस्तान का बदली नहीं ढंग रंगाई उतरी ना धरती पुत्र मुलायम सिंह का कहना कि जिस दिन हम कर देंगे उसके साथ जंग को जारी हो पांच हमारे पड़ जाएंगे 500 पर भारी हो और घटना सुन के होंगे जब तक दंग रंग ही उतर ही ना और नहीं दोस्ती चलेगी उसके संग रंग जी उतर ही ना माननीय नेताजी का कहना है कि घटना सुन के जब तक हम दंग होते रहेंगे तब तक उसका रंग नहीं उतरेगा। अब उसके साथ दोस्ती चलाना मूर्खता का परिचायक होगा। कभी जी भाव लिखत हूं, अरे कितनो सांप के दूध पिलाइबा, अरे कितनो सांप के दूध पिलाइबा, काटी पाके समय के फेर ना मुराद कुत्ता के भोकले सरहद पर घेर जिस दिन जंग का ऐलान होगा। भाव कवि जी बड़ा सुंदर लिखल है, कैसे मास्टर आय हाय 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 कवि का भाव बा लड़ना ही पवल हो सवा का जावा सीना तान करके काट काट करके जब गोली लगी तो एक एक अंग को गंगा जी में प्रवाहित करने लगा। गीता आपने सुना होगा, खौलत खून बहल नस नस में, देख के गुलामी जवानी पाकल मुछिया पयाइल कुंवर की। कवि जी भाव लिखलन है, ये भैया तदानापुर में आइल बापी जयवानी लसिया, दानापुर में बकीराया का मकान, भैया देखकर दानापुर में बकीराया का मकान, नेहाय विवेक जेकर तू इठे सुमनावा, भैया नेहाय विवेक जेकर तू इठे सुमनावा, बचावाया बोध भैली दुनिया बिरान, भैया बचावाया बोध भैली दुनिया बिरान।
सबसे बतिया भैया पत्नी अभी लगी देवी का है सबसे बतिया आना चाहिए मुआवजा हो ना ही कौन होता हमारे सिंदूर का इंसाफ देना चाहते हैं तो दुश्मन को करारा जवाब दे दीजिए। विजय कुमार शहीद की पत्नी कहती है शंभू शरण जगदीशपुर के हरनाही गांव के निवासी दादा हरिहर राय सेवानिवृत्ति सिपाही हैं। पत्नी सपना देवी का बुरा हाल है, प्रेमनाथ की पत्नी संगीता आज विधवा हो गई है। आज पूरे हिंदुस्तान के आवाम में बस एक ही आवाज आती है, वो कौन सी आवाज? अपील है अरहर सहित जब विधवा को न्याय चाहिए तया चला पीछा के मानस सिंदूर का इंसाफ चाहिए। जिसकी सारी खुशी छीन जाएगी अब वह जिंदगी किसके सहारे बिताएगी? भाव है अरे बात जीत कलम ना क्रिया कलाप चाहिए आ चला पीछा के मानस सिंदूर को इंसाफ चाहिए। केहू कर अन्नदान केहू गौदान हो अभी दवा बेचारी कैली से नुरा का दान हो दुश्मन खातिर सजा कभी ना माफ चाहिए आचल बिछा के माना सिंदूर का इंसाफ चाहिए। आज भी दोहरी नीत और दोगलई पर उतारू है वो पाकिस्तान पड़ोसी देश। पड़ोसी देश कहता है कि सैनिक नहीं थे आतंकवादी थे। प्रश्न उठता है मान लिया कि आतंकवादी थे आखिर वो आए कहां से आए कैसे आने कौन दिया? विश्वास सूत्रों से अभी पता चला कि इससे पहले जो आतंकवादी फौज में सिर काट कर ले गए थे उसमें भी पुलिस के जवान ही शामिल थे। इंसाफ कैसे होगा? कभी जी भाव लिखते हैं गुरु बिहारी गुरगैस गुरनाम लाल ललकारे बच्चन कहता कवि चंद्रिका दास तब को मारी सनुरावा बन के बेदी पर चढ़ल